इट डज नॉट मैटर कितने लोग आपका पेज सब्सक्राइब करते हैं. इफ यू आर नॉट टुडे, इफ यू आर नॉट टुमारो, इफ यू डोंट शो अप, इट्स ओके, इट्स कम्प्लीटली ओके. बट यू नो व्हाट्स गोइंग टू मैटर. यहाँ पे अपनी थोड़ी सी स्टोरी शेयर करना चाहूंगी कि आज से तकरीबन 1.5-2 साल पहले मेरी लाइफ में कुछ ऐसे वाकयात और हादसात हुए कि जिसकी वजह से मुझे सोशल मीडिया से टोटली कट ऑफ करना पड़ा. उससे पहले मैं 10 साल से मुसलसल ऑनलाइन थी, लेकिन जैसे कि आम लोग होते हैं, मतलब कोई मेरा पेज वगैरह एज सच कुछ भी नहीं था. आई वॉज जस्ट लाइक अ नॉर्मल कॉमन फोक, जस्ट ऑनलाइन अपने फ्रेंड्स को लाइक कर लिया, फ्रेंड्स के फ्रेंड्स को लाइक कर लिया, कोई अच्छी पोस्ट शेयर कर ली. लेकिन इट वॉज प्रीटी मच लाइक आई यूज टू डू अ लॉट ऑफ सोशल मीडिया स्टफ. अपनी लाइफ की बहुत सारी चीज़ें, कहाँ घूम रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, कहाँ खा रहे हैं, कहाँ पी रहे हैं, ये सारी चीज़ें शेयर करना. एंड देन सडनली समथिंग हिट मी एंड हिट मी रियली हार्ड एंड आई गॉट डिसकनेक्टेड फ्रॉम सोशल मीडिया फॉर अबाउट 1.5 ईयर, ऑलमोस्ट 2 ईयर्स के अलावा. उस 1.5 साल में आपको पता मेरी सबसे बड़ी रियलाइजेशन क्या थी? अब मैं बिजनेस वूमन नहीं थी उस वक्त, ना ही मेरा कोई करियर था सोशल मीडिया पे, ना ही बस एक फोन ही था ना जो एक शौक था, राइट? एक शौक पाला हुआ था जो एक डिस्ट्रैक्शन पाली हुई थी. मैंने ये महसूस किया कि किसी ने मुझे मिस नहीं किया. मेरे सोशल मीडिया फ्रेंड्स जो कि मेरे रियल लाइफ फ्रेंड्स भी थे, उनमें से अक्सरियत मेरे लाइफ रियल लाइफ फ्रेंड्स भी थे, लेकिन दूर दूर अपने अपने मुल्कों में डिफरेंट डिफरेंट जगहों पर रहते हैं, किसी ने मुझे फ़ोन नहीं किया, किसी ने मुझे व्हाट्सएप नहीं किया, किसी ने मुझे ईमेल नहीं की, किसी ने मुझे टेक्स्ट तक करके नहीं पूछा कि तुम इतने अरसे से हो कहाँ, कहाँ गायब हो. ये पहला एहसास था जो मुझे बड़ी जोर से धचका. तो एक तो जो लाइफ ने धचका दिया हुआ था वो अपनी जगह एक था, एक अपना एक मेरा एक इमोशनल जर्नी मेरी चल रही थी, लेकिन दिस वॉज अनदर रियलाइजेशन. नोबडी केयर्स. इट्स नॉट दैट नोबडी केयर्स, नोबडी रिमेंबर्स टू केयर. मैं आज हूं, अगर मैं किसी भी वजह से कल ना हो सोशल मीडिया पे, तो आप में से कितने लोग हैं जो रीच आउट करके पूछेंगे? आप लोग इतने सारे लोगों को फॉलो करते हैं, किसको रीच आउट करके पूछेंगे कि बीबी कहाँ चली गई हो? शायद कोई एक आध हिम्मत हौसला कर ले, 2-3 सर्च करके देख लेंगे और 3-4 सोचेंगे इस बारे में, लेकिन करेंगे कुछ नहीं, क्योंकि हमारे पास ऑप्शंस बहुत हैं. आप नहीं तो कोई और सही, कोई और नहीं तो कोई और सही, कोई और नहीं तो कोई और सही. ये डिसलॉयल्टी नहीं है, ये जस्ट द वैरायटी ऑफ पीपल है दैट वी कैन स्टे कनेक्टेड विद. हमारी रेलेवेंस ऑनलाइन ना होने के बराबर है. इट डज नॉट मैटर आपको कितने लोग फॉलो कर रहे हैं, इट डज नॉट मैटर कितने लोग आपका पेज सब्सक्राइब करते हैं. इफ यू आर नॉट टुडे, इफ यू आर नॉट टुमारो, इफ यू डोंट शो अप, इट्स ओके, इट्स कम्प्लीटली ओके. बट यू नो व्हाट्स गोइंग टू मैटर? What's going to matter is that if you do not show up as a mother, if you do not show up as a wife, if you do not show up as a daughter, if you do not show up as anything that in your physical real life has a reality to your relationships, it's going to matter. It's absolutely going to matter. तो जो उन्होंने ये question किया, ये बात क्यों मैंने की, ये बात मैंने इस question पे, उन्होंने कहा कि what might be the long term impact on this relationship if you did not curb your distracted ways. Mera long time relationship curb matlab kya, matlab dararein jisko kehte hai na, pad jana. Note kare ki kya cheez zyada important hai, kya hamara distract hona itna important hai ki lifelong darar pad jaye hamare relationships mein. Next, choose what matters. Deliberateness. ठीक है, deliberateness. उन्होंने किसी का quote लिखा है. अब चूंकि ये मुसलमान नहीं है, लिहाजा they talk about this. At least 3 times every day, take a moment and ask yourself what is really important. Have the wisdom and courage to build your life around your answer. We don't have to think 3 times a day. We do it 5 times a day. We have our salah. 5 times a day, Allah subhanahu wa ta'ala has given us this salah as a gift to remind ourselves, jana wapas Lord ke Rab ki taraf hi hai. Jitna marzi kama lo, naam, shohrat, izzat, daulat, paisa, wo bhi Rab ki dena, aur jaan bhi Rab ki dena. Sehatmand bachche mile, to isme bhi mera koi kamal nahi.
और अगर बीमारी ने आ घेरा मुझे या खुदा ना खास्ता मेरे घर वालों को, तो इसमें भी मेरा कोई कमाल नहीं। हर चीज एक टेस्ट है। आसाइश मेरे ख्याल से ज्यादा बड़ा टेस्ट है। उसकी वजह यह है कि उसमें हम भूल जाते हैं, हम समझते हैं कि ये तो मेरा राइट था, ये तो मेरा हक था। डिलिब्रेटनेस के टॉपिक पे ये बात करना जरूरी था क्योंकि हम एज ह्यूमन बीइंग्स हक जताने वाली चीजें हैं। हम हर चीज पे अपना हक जताने लग जाते हैं, हर रिश्ते पे अपना हक जताने लग जाते हैं। आपने नोटिस किया होगा, आप किसी स्ट्रेंजर से भी 3 दफा मुस्कुरा के बात करो, तो चौथी दफा जब वो आपसे बात करेगी या करेगा तो वो ऐसे ही करेगा जैसे उसका हक है, राइट? वो कहते हैं कि नहीं जी, हमें तो दिल से आपसे मोहब्बत प्यार हो गया, आप तो हमारे अपने हो गए, इसलिए हमने आपसे ऐसे बात की। लेकिन एक्चुअल बात यही है कि इंसान की फितरत में हर चीज को काबू करना है। ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा, हर रिश्ता मेरा, 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 मेरा। सलाम सलाम सलाम।